ठंडा पानी नहलाने के लिए गर्म नहीं मिल सकता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? आज ना तो मैं आपको कोई प्रोजेक्ट दिखाने का हूँ, ना किसी टूर पे ले जाना हूँ, ना ही किसी एडवेंचर पे ले जा रहा हूँ, ना ही किसी हिल स्टेशन की दिखा रहा हूँ, और ना ही किसी धार्मिक स्थल की दिखा रहा हूँ। देखिए, पहाड़ तो देखते ही मुझे कुछ कुछ होने लगता, तो मैं आज आपको पहाड़ों की वीडियो भी नहीं दिखा रहा हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने मेरठ शहर को। आज मैं लेके चलूंगा आपको अपने मेरठ शहर में। होता क्या है कि दोस्तों, हम लोग, आपने भी देखा होगा, और जैसे हम लोग कहीं इधर उधर जाते हैं तो आपने सड़क किनारे या किसी पार्क में या किसी चौपले पे अपने अपने जो हमारे महापुरुष हैं उनके स्टेचू देखे हो, तो मैंने भी देखे, वो तो वो मुझे काफ़ी गंदे दिखाई दिए। तो आज की यह वीडियो उन्हीं महापुरुषों के स्टेचू को लेकर है, और अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ वो है, पहले इसकी बात करते हैं। देखिए, यह है हमारा मेरठ का कैलाश प्रकाश स्टेडियम, जिस स्टेडियम में एक्सरसाइज करके, जहाँ खेल के, जहाँ पर सीख करके हमारे बहुत से एथलेटिक्स, बहुत से हमारे खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया, तो यह है वो कैलाश प्रकाश स्टेडियम। और आज तो यहाँ पर पेंटिंग भी चल रही है, भाई वाह गजब। तो दोस्तों, यहाँ पर पेंटिंग बन रही है, और यहाँ से जो ठीक सामने आपको वो कॉर्नर दिखाई दे रहा, जो चौपला दिखा रहा, वहाँ पर लगी है पंडित बुलाकी दास जी की मूर्ति। तो आज मेरा सफ़र यहीं से स्टार्ट हो रहा, तो चलिए चलते हैं। और दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं एक पहले प्रयास का एक वॉलंटियर्स हूँ, तो यह मैंने अपनी टीम को भी बोला था कि क्यों ना हम लोग स्वच्छता के साथ साथ इन स्टेचू की भी सफाई करें। तो मैं और मेरी टीम यहाँ इन स्टेचू के पास आई है और इनकी सफाई की है, तो आप बने रहें, देखें हम लोगों ने क्या किया। अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छा किया है तो लाइक और कमेंट तो बनता है ना, तो बॉस कमेंट ज़रूर करके बताएं कि यह मेरा वर्क आपको पसंद आया या नहीं। और मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे उनसे खास रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे मेरी नई वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, यह है मेरठ का रोडवेज बस स्टैंड, सोहराब गेट बस स्टैंड। यहाँ से आपको गढ़ मुक्तेश्वर और मुरादाबाद के लिए बसें मिल जाती हैं, यहाँ से आगरा के लिए भी बसें मिलती हैं। तो आज हमारा सफ़र इधर ही है, क्योंकि हमें जाना है तेजगढ़ी चौराहे पर, जहाँ पर लगी है बाबू जगजीवन राम जी की मूर्ति। तो आज हमारा सफ़र है गढ़ रोड पर, चलिए आगे चलते हैं। बाबू जगजीवन राम, आज आए हैं हम यहाँ पर बाबू जगजीवन राम जी की मूर्ति को सफाई कर रहे हैं, तो अभी इनकी हम सफाई करेंगे, काफी गंदे हो गए हैं। ट्रैफिक आप देख रहे हैं चल रहा है, आप यहाँ की कंडीशन देख सकते हैं, सामने एम्बुलेंस आती हुई। और इधर से ये जो ये रोड चली जाती है, ये यूनिवर्सिटी रोड है कहलाती है, सीधा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी पे चली जाती है। तो आज आपको नहलाएंगे, ठंड मत मानना बाबू जी, ठंडा ठंडा पानी है, गर्म तो मिलने का नहीं है, तो अब नहलाया जाएगा बाबू जी को, अब नहलाया जाएगा ठंडे ठंडे पानी से। मैंने बोल दिया है कि ठंड मत मानना, आया तो मिलेगा ठंडा ही पानी नहलाने के लिए, गर्म नहीं मिल सकता। तो अब हम अपना कार्य शुरू करते हैं, और यहाँ की थोड़ी सफाई भी करेंगे आज, और इनके जो गंदे हो चुके हैं आप देख रहे हैं, बहुत गंदा है, आप अगर आपके हाथ भी काले हो जाते एकदम से हाथ रगड़ती, तो इनकी हम सफाई करेंगे। ये मेरे अभियान का हिस्सा है, मैं जैसे मैंने सोचा है कि मैं एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जितने भी हो सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा स्टेचू जो हमारे महापुरुषों के स्टेचू हैं, जो हमारे ये पूर्वज हैं, इन लोगों के स्टेचू को हम सफाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारा अभियान कहाँ तक चलता है, अपनी कोशिश कहाँ तक चालू करते हैं। हाँ अच्छा सर,
दोस्तों आपको कुछ दिखाई दे रहा है नीचे मोटरसाइकिल के पहिए के पास? ये चीज़ आप कितना भी सफाई कर लें, जब तक दूसरे लोग सहयोग नहीं करें कुछ नहीं होगा। ये सामने जूस वाला देख रहा है, तो अपना बिजनेस कर रहा है, जूस पिला रहा और छिलके यहाँ फेंक रहा है, तो क्या होगा इस देश का? हो सकता है कितनी ही सफाई कर लेना, कुछ नहीं हो सकता ऐसा तो इस देश का, जब तक हम नहीं सुधरेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आगे के सफर पर, फिर एक नए स्टेचू पर। ये है मेरठ कचहरी। आज हम आए हैं मेरठ कचहरी के पास, मेरठ कॉलेज, जो ये मेरठ कॉलेज मेरठ है, ये आपका आ गया है मेरठ कॉलेज, और इसके सामने है चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति, चौधरी चरण सिंह पार्क, और ये है अपना आई लव मेरठ। यह हमारे नगर निगम ने बनाया है यहाँ पर सेल्फी पॉइंट, और जब से यह सेल्फी पॉइंट बना है यहाँ पर भीड़ लगी रहती है लोगों की सेल्फी लेने के लिए, क्या बच्चे क्या जवान, सब लोग यहाँ पर सेल्फी लेने आते हैं। और लाए आए भी क्यों ना, कोई चीज़ लगी है हमारे मेरठ में पहली बार इस तरह की, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सामने वाले पार्क में। दोस्तों यहाँ पर सफाई के साथ साथ चौधरी साहब को नहलाने के बाद, इनकी सफाई करने के बाद, मैंने यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए, क्योंकि यहाँ पर नीचे जगह थी पेड़ लगाने की, तो मैंने यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए। और एक और बात जो मुझे हर स्टेचू पर करनी पड़ रही है, क्योंकि हर स्टेचू के पास वहाँ पर जहाँ पर इनको स्टैंड करके प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता है, वहाँ पर पीपल के पेड़ आ गए, मुझे हर स्टेचू पे पीपल के पेड़ मिले, और मुझे इन्हें सबको उखाड़ना पड़ा। मेरी मजबूरी थी इन्हें उखाड़ना, वरना मैं पेड़ नहीं उखाड़ता, पेड़ लगाता ही लगाता हूँ। मजबूरी ये है कि अगर मैं इनको नहीं उखाड़ूंगा तो यह एक दिन इतने बड़े हो जाएंगे, यह इस स्टेचू की नींव को हिला देंगे, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं और इस स्टेचू को गिरा देंगे, तो इस कारण मुझे इन पेड़ों को निकालना पड़ा। चलिए दोस्तों आज फिर चलते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेचू की सफाई करने। अभी नहीं बता रहा मैं आपको मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी तो मैं देता हूँ एक्सेलेटर, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, मैं भी चल रहा हूँ, तब बताता हूँ रास्ते में चल के कहाँ जाते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं सूरज कुंड स्पोर्ट्स मार्केट। दोस्तों यह मार्केट हिंदुस्तान क्या पूरे संसार में प्रसिद्ध है, मैंने बहुत से इंटरनेशनल खिलाड़ियों को यहाँ मेरठ आते हुए देखा और यहाँ से सामान खरीदते हुए देखा है। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स का, हर स्पोर्ट्स का सामान बनता है, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, कैरम हो, चेस हो, एक्स वाई जेड टेनिस हो, लॉन्ग टेनिस हो, सभी तरह की आइटम यहाँ बनती है, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब है और यहाँ पर रिटेल और थोक दोनों तरह का कारोबार होता है। तो यह मार्केट बहुत फेमस मार्केट है, और जहाँ मैं आज जा रहा हूँ वो है सूरजकुंड, सूरजकुंड पार्क, वहाँ पर लगी है स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति, आज हम उसको सफाई करेंगे। ये आ गया है सूरजकुंड पार्क, और यहीं पर लगी हुई एक बहुत सुंदर मूर्ति लगी हुई स्वामी विवेकानंद जी की, तो आज उसकी सफाई करेंगे। और देखिए ये है सूरजकुंड का मेन गेट पार्क का, और मैं लगाता हूँ बाइक को यहाँ पर स्टैंड पे और चलते हैं अंदर। दोस्तों ये पहला, अभी तक का मेरा पहला स्टेचू है जिस पर स्टेयर्स नहीं थी, यहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई थी, तो यहाँ पर जाने के लिए मुझे एक दूसरे अपने फ्रेंड का सहारा लेना पड़ा, उसके सपोर्ट से, उसकी मदद से मैं ऊपर चढ़ पाया, तब जाके इस यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी मूर्ति की सफाई कर पाया। हो गया।
दोस्तों यह है सूरजकुंड पार्क, जहां पर यह स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगी हुई है। यह पार्क काफ़ी सुंदर पार्क है और अब तो इसका काफ़ी डेवलपमेंट भी कर दिया गया है। और इससे पहले भी यह अच्छा पार्क था, क्योंकि यह पार्क तो एक ऐतिहासिक पार्क है, तो यहाँ पर आने वालों काफ़ी क्राउड रहता है। ये देखिए फिलहाल अभी तो ये हमारी पहले प्रयास के वॉलेंटियर्स यहाँ पर सफाई करते हुए। तो मैं ये कह रहा था कि इस पार्क में काफ़ी पब्लिक आती है। और अभी देखिए अभी बजे हैं 2, तो अभी तो 2 बजे हैं, तब भी यहाँ पर काफ़ी पब्लिक आई हुई है घूमने। और गर्मियों में तो यहाँ पर बहुत क्राउड आता है, क्योंकि सुबह और शाम यहाँ पर हरियाली है, और गर्मियों में जब अपनी हरियाली देखता तो मन खुश हो जाता है। तो यहाँ पर सुबह और शाम 2 टाइम बहुत भीड़ रहती है। दोस्तों शहर में ऐसी बहुत सी स्टैचू हैं जो उनको सफाई की ज़रूरत है। तो आज तो मैं अपनी वीडियो को यहीं आराम देता हूं। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी न किसी स्टैचू की सफाई करते हुए। और आप यहां देख सकते हैं मैं हूं इस टाइम बेगमपुर सरदना चौकली पर, तो यहां पर RRTS एंड मेरठ मेट्रो का वर्क चल रहा है। तो हम फिर मिलेंगे आपको किसी न किसी वीडियो में किसी न किसी मूर्ति की सफाई करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।